नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। पूरे भारतवर्ष में लगभग 1500 रीजनल बैंक्स और साथ में कोऑपरेटिव बैंक्स है दोस्तों। इसमें से 300 बैंकों के ऊपर एक बहुत बड़ा रैंसमवेयर अटैक हुआ है, जिसके कारण इन तमाम 300 बैंकों के द्वारा जो रिटेल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट किया जाता था दोस्तों, इस सर्विसेज को फिलहाल कस्टमर के लिए रोक दिया गया है। आज के दिनों में हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है, काफ़ी आसान हो गया है। हम IMPS कर लेते हैं, UPI कर लेते हैं, RTGS कर लेते हैं, बहुत सारे यहाँ पे तरीके हमारे पास आज के दिनों में आ गए हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ये जो 300 बैंकों का ये जो पूरा का पूरा पेमेंट सिस्टम है, UPI, चाहे वो IMPS हो, चाहे वो RTGS वगैरह हो, सारे को दोस्तों यहाँ पे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रोक दिया गया है इस फैसिलिटी को। तो इस पर्टिकुलर रैंसमवेयर अटैक के कारण यहाँ पे जो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, ये किस प्रकार का है, कितना बड़े लेवल का यहाँ पे अटैक हुआ दोस्तों, ये तो हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में यहाँ पे जो NPCI यहाँ पे है ना, इनका इस पर क्या रिस्पॉन्स आया है। जो सर्ट इन यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे एक तरीके से इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होती है भारत सरकार की, आखिरकार उनका इस पर क्या रिपोर्ट कहता है। भारतवर्ष में ये जो रैंसमवेयर अटैक है, जो कि यहाँ पे साइबर अटैक का ही एक यहाँ पे पार्ट होता है, ये भारत में इसकी समस्या कितना ज्यादा विकराल है, क्या यहाँ पे फास्ट टाइम में इसका रिकॉर्ड रहा है, ये तमाम बात की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे दोस्तों। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रैंसमवेयर अटैक फोर्सेस अराउंड 300 स्मॉल बैंक टू गो ऑफलाइन। इनका यानी कि जो भी यहाँ पे ऑनलाइन ये सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर वगैरह यहाँ पे करने के लिए, ये सारा का सारा सर्विसेज इनको यहाँ पे हॉल्ट करना पड़ा है, रोकना पड़ा है दोस्तों। यहाँ पे ना तो आप यहाँ पे इन 300 बैंकों के अगर जो आप कस्टमर हो तो यहाँ पे UPI कर सकते हो, ना तो आप यहाँ पे IMPS कर सकते हो, ना तो आप जो रिटेल पेमेंट के तौर पे RTGS वगैरह किया जाता है वो भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। क्योंकि कह लीजिए कि यहाँ पे इस रैंसमवेयर अटैक के कारण जो बैंक यहाँ पे है वो टेम्पररली इस सर्विसेज को यहाँ पे अनअवेलेबल कर दिए है दोस्तों यहाँ पे। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, और ये भी आप समझोगे यहाँ पे कि आखिरकार रैंसमवेयर अटैक साइबर अटैक का ही एक तरीका होता है यहाँ पे। लेकिन ये रैंसमवेयर अटैक में जो यहाँ पे अटैकर होते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे हैकर होते हैं, वो आपसे किस चीज का यहाँ पे डिमांड करते हैं, वो भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। चलिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो NPCI है, जो कि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो भी पेमेंट और सेटलमेंट एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा जो निगरानी है ओके, किसके द्वारा रखा जाता है दोस्तों, तो NPCI के द्वारा ही रखा जाता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही एक यहाँ पे पार्ट है दोस्तों, जो कि इंडिया के अंदर जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह होते, चाहे आप IMPS करते हो, UPI करते हो, RTGS वगैरह करते हो, ये सारे कि यहाँ पर निगरानी या फिर ओवरसी करना, यहाँ पर रेगुलेट वगैरह करना, ये किनके जिम्मे में आता है, तो NPCI के जिम्मे में यहाँ पे आता है दोस्तों। और NPCI के द्वारा जो ये UPI सिस्टम डेवलप किया गया है, यहाँ पे कह लीजिए कि भारत का एक बहुत ज़्यादा है ना इमेज यहाँ पे क्रिएट किया है पूरे दुनिया भर में यहाँ पे दोस्तों। क्योंकि जो UPI का फैसिलिटी है वो आप जानकर चौंक जाओगे कि जो यहाँ पे दुनिया में जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे भी ऐसा फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, जो कि यहाँ पे भारत में उपलब्ध हो पाया है। लेकिन जो पूरा का पूरा जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का जो सर्विसेज आपको दिया जा रहा है वो किसके कह लीजिए कि यहाँ पे मेहनत से हो पाया दोस्तों, तो NPCI के ही यहाँ पे मेहनत से हो पाया। तो चूंकि यहाँ पे ये 300 बैंक अपने ऑनलाइन सर्विसेज को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे NPCI को यहाँ पे स्टेप इन करना ही था यहाँ पे। तो इनका क्या रिस्पॉन्स आया आप देख सकते हो, इट हैज़ बीन ब्राउट टू NPCI नोटिस, कि हमें ये नोटिस में आया है दैट CH टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अ टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर हु केटर मोस्टली टू कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक। तो आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे कि देश भर में टोटल कोऑपरेटिव बैंक, या कि जिसको हम रीजनल बैंक बोलते हैं, लोकल बैंक बोलते हैं, जो यहाँ पे गांव के जो लोग यहाँ पे होते हैं वो इन बैंकों से यहाँ पे कह लीजिए कि अपना सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो आपको बता दें कि टोटल में कितने यहाँ पे बैंक है, तो 1500 टोटल यहाँ पे लोकल बैंक बुला सकते हो, कोऑपरेटिव या रीजनल बैंक बुला सकते हो। इसमें से जो 300 बैंकों के यहाँ पे ऊपर ये जो अटैक हुआ है, रैंसमवेयर अटैक यहाँ पे हुआ है, ये जो बैंक यहाँ पे है दोस्तों वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई थी अपने इस सर्विस को कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए, जो यहाँ पे ये पेमेंट सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करते थे अपने कस्टमर को। तो ये सर्विस किसके मदद से कर पाते थे दोस्तों, तो CH टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो CH टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है, जो कि यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि बहुत सारे बैंकों को सामान्य तौर पर जो कोऑपरेटिव और यहाँ पे रीजनल बैंक होता है उनको यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो CTech या CH जो टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है, आप ये ना समझिएगा कि चूंकि यहाँ पे
केवल लोकल बैंक ही इससे प्रभावित हुए हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नामी नहीं होगा या फिर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगा। इसका जो सिस्टम है उतना ज़्यादा रोबस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको बता दें कि सी एज टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो एक तरीके से कह लीजिए कि वेंचर की तरह यहाँ पे काम करती है। और ये किसके साथ जुड़े हुए, तो जो TCS यहाँ पे है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और यहाँ पे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो TCS और साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो अपना कारोबार करती है। और बहुत सारे बैंकों के यहाँ पे ये अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके कारण जो सर्विस जो यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक है वो कस्टमर को यहाँ पे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह का सुविधा है वो उपलब्ध करा पाते हैं दोस्तों। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये वाला जो सी एज टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है इसी के ऊपर अटैक हुआ है, जिसके कारण NPCI ने क्या किया है, जो भी यहाँ पे इनका एक तरीके से कनेक्शन था बैंकों के साथ उसको कुछ दिनों के लिए यहाँ पे कट कर दिया है। और एक बार यहाँ पे अच्छे तरीके से इसका जब इंक्वायरी वगैरह यहाँ पे हो जाएगा, ऑडिटिंग वगैरह हो जाएगा, और यहाँ पे लगेगा कि सारा समस्या खत्म हो चुका है, तब एक बार फिर से यहाँ पे ये जो सर्विसेज प्रोवाइड जो किया जा रहा था उसको बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे टेम्परली इसको अनअवेलेबल करा दिया गया, यानी कि अगर जो आप उन तमाम 300 बैंकों के कस्टमर हो तो आपको बाकायदा बैंक जाकर ही कह लीजिए कि पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, आप अपने फोन से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इट हैज बीन ब्राउट टू NPCI नोटिस दैट CH टेक्नोलॉजिकल कंपनी, अ टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर हु केटर मोस्टली टू कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक, हैज बीन पॉसिबली इंपैक्टेड बाय ए रैंसमवेयर अटैक इंपैक्टिंग अ फ्यू ऑफ देयर सिस्टम टू प्रिवेंट लार्जर इंपैक्ट टू द पेमेंट इकोसिस्टम। तो NPCI ने क्या बताया यहाँ पे कि चूंकि अभी तो फिलहाल 300 जो कोऑपरेटिव बैंक है उन्हीं के ऊपर अटैक हुआ, लेकिन यहाँ पे ये अपना एक विकराल रूप ना ले ले जो बड़े बड़े यहाँ पे बैंक है, जैसे कि HDFC हो गया, आपका PNB बैंक हो गया, SBI वगैरह बैंक हो गया, यहाँ पे IDBI वगैरह हो गया, यहाँ पे ICICI बैंक हो गया, ये सब बड़े बैंक अगर जो यहाँ पे प्रभावित होते हैं तो यहाँ पे चूंकि इनका जो ट्रांजेक्शन का वॉल्यूम होता है काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों यहाँ पे, है ना, तो अगर जो इतना बड़े बड़े बैंक अगर जो प्रभावित होंगे तो देश के अंदर जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम फिलहाल क्या करते हैं, तो CH टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो यहाँ पे है उसको हम फिलहाल कुछ दिनों के लिए यहाँ पे इनके सर्विस जो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे उसको हम कटआउट कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे, ताकि जो बड़े लेवल पे अटैक होने की पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाए यहाँ पे, है ना। आप वो देख सकते हो कि जो बड़े सिस्टम है ये इम्पैक्ट ना हो पाए, इसीलिए यहाँ पे जो NPCI है उन्होंने यहाँ पे इसके सर्विसेज को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कट आउट कर दिया है। टू प्रिवेंट लार्जर इम्पैक्ट टू द पेमेंट इकोसिस्टम, NPCI हैज टेम्पोरली आइसोलेटेड। तो देख सकते हो आप कि CH टेक्नोलॉजी कंपनी जो है उसको आइसोलेट कर दिया गया है NPCI के द्वारा, यानी कि जो CH टेक्नोलॉजी कंपनी है वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए अपना सर्विस इन तमाम बैंकों को यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। फ्रॉम एक्सेसिंग द रिटेल पेमेंट सिस्टम टू ऑपरेटेड बाई NPCI, यानी कि किसी भी प्रकार का रिटेल पेमेंट जो है वो यहाँ पे इन तमाम 300 बैंकों के द्वारा किया नहीं जा सकता है। और CH टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो अपना फिलहाल कुछ दिनों के लिए सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। कस्टमर ऑफ बैंक सर्विस बाय CH विल नॉट बी एबल टू एक्सेस पेमेंट सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आइसोलेशन। यहाँ पे जितना दिनों के लिए यहाँ पे इन बैंकों को CH टेक्नोलॉजी कंपनी से आइसोलेट रखा जाता है उतने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो कस्टमर है वो अपना जो ये पेमेंट सिस्टम यूज कर पा रहे थे, जो IMPS UPI वगैरह कर पा रहे थे, वो फिलहाल यहाँ पे नहीं कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन NPCI का कहना है यहाँ पे कस्टमर के लिए ये मैसेज है कि जो रेस्टोरेशन वर्क, यानी कि इससे सुविधा को फिर से बहाल किया जाए, ये कह लीजिए कि काम काफ़ी जोरों शोरों पर है। रेस्टोरेशन वर्क इज अंडर वे ऑन अ वार फुटिंग अलॉन्ग विथ CH टेक्नोलॉजिकल कंपनी एंड नेसेसरी सिक्योरिटी रिव्यू इज इन प्रोसेस। कि जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी रिव्यू लेने हैं, जो भी यहाँ पे ऑडिटिंग वगैरह करना है, ये चेक करना है कि इसका जो कह लीजिए कि इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा हो सकता है और यहाँ पे क्या डिमांड वगैरह यहाँ पे, क्योंकि आप जानोगे अभी थोड़ी देर में कि जो रैंसमवेयर अटैक होता है दोस्तों उसमें जो हैकर है या फिर जो अटैकर है जो साइबर अटैक किया है वो कह लीजिए कि आपके जो फाइल वगैरह है उसको एक्सेस करने से आपको रोक देता है और उसको लॉक कर देता है आपके सिस्टम को, यानी कि लैपटॉप तो आपका होगा, कंप्यूटर सिस्टम PC तो आपका होगा, लेकिन आप उस पर कोई काम नहीं कर पाओगे क्योंकि उसको किसी और के द्वारा हैक करके उसको कह लीजिए कि लॉक कर दिया गया है। तो जो पासवर्ड वगैरह है, यानी कि फिर से आप अपने सिस्टम को यूज कर पाओ, एक्सेस कर पाओ, इसके लिए जो आपको पास की है, जो पासवर्ड है वो उपलब्ध करवाएंगे जो उन्होंने सेट किया है, और इसके बदले में आपको एक बहुत बड़ा यहाँ पे अमाउंट में आपको उनको फिरौती देना पड़ेगा। तो रैंसम जो वर्ड है, रैंसम का मतलब ही होता है फिरौती दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ये जो अटैकर है वो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं यहाँ पे, और इंडिया के अंदर बहुत सारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम हो गया, मेडिकल सिस्टम हो गया, इन पर कह लीजिए कि आए दिन रैंसमवेयर अटैक होते रहते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना।
तो आपने देखा यहाँ पे कि जो अंडरवे का यहाँ पे रेस्टोरेशन वर्क है वो काफ़ी जोरों शोरों पर है। वॉर फुटिंग बिल्कुल यहाँ पे गति से ये चल रहा है और अभी सिक्योरिटी रिव्यू एक बार पूरा जो ये प्रोसेस है वो हो जाता है। जब ऐसा लगता है कि अब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकता है तब यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो एक बार फिर से बहाल कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो आप कह लीजिए कि कितना टाइम लगेगा इस पर, तो अभी कह लीजिए कि कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि ये कितना बड़े लेवल पर अटैक हुआ है ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कितने सारे सर्विसेज इसके कारण रोके गए हैं, तो ये भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले और हम यहाँ पे आगे बढ़े कि ये कितने बैंकों के ऊपर ऐसा हुआ है, यहाँ पे आखिरकार जो अटैक किया उनका डिमांड वगैरह क्या है, यहाँ पे सर्ट इन जो यहाँ पे है इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यहाँ पे जो है उनका इस पर क्या यहाँ पे डेटा है, इससे पहले हम देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा रैनसम वेयर अटैक आखिरकार होता भी क्या है दोस्तों। तो आप देख सकते हो रैनसम वेयर अटैक इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक, यानी कि साइबर अटैक का ही यहाँ पे एक तरीका है, जैसे कि स्पाईवेयर भी होता है यहाँ पे, तो स्पाईवेयर भी एक तरीके का साइबर अटैक होता है दोस्तों। तो यहाँ पे रैनसमवेयर भी एक साइबर अटैक ही होता है जिसके थ्रू यहाँ पे क्या किया जाता है, तो जो यहाँ पे अटैकर है जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि पीछे से अटैक वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं आपके लैपटॉप या आपके फ़ोन पे एक लिंक भेजेंगे, वो लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों तो कुछ यहाँ पे मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे रन कर जाता है जो कि एक बग होता है, और वो जब रन कर जाएगा तो आपका सिस्टम जो है लॉक हो जाता है, और अगर जो आप फिर से आप एक्सेस लेना चाहते हो तो फिर कह लीजिए कि उनको पैसा देना पड़ेगा यहाँ पे, वो हेफ्टी अमाउंट यहाँ पे डिमांड करते। तो आप देख सकते हो रैनसमवेयर अटैक इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर इनक्रिप्ट विक्टिम डेटा, जो यहाँ पे विक्टिम बना है यानी कि जिसके साथ ये धोखाधड़ी यहाँ पे किया गया है उसका जो भी डेटा है उसको पूरी तरह से इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी कि आप कोई सा भी फाइल वगैरह है, कोई सा भी फोल्डर वगैरह है, कोई सा भी एप्लीकेशन का एक्सेस आप नहीं ले सकते, यानी कि लिटरली आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कुछ भी नहीं कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपका जो भी डेटा वगैरह है, जो भी फाइल वगैरह है, उसको कंप्लीटली लॉक कर दिया गया है, इनक्रिप्ट कर दिया गया है यहाँ पे। The attacker then demand a ransom payment in exchange for restoring access to the data or system. तो आप देख सकते हो जो attacker है वो इसके बाद क्या करेंगे, आपसे पैसों का demand करेंगे कि हम यहाँ पे कह लीजिए कि आपके services को बहाल कर देंगे, हमने जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि encrypt करके रखा है आपके data को उसको हम फिर से release कर देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा amount देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे ransomware attack involve malicious software, आप देख सकते हो एक तरीके का malicious software यानी कि bug जो होता है वो यहाँ पे link के थ्रू आपके सिस्टम पे भेजा जाता है, और जैसे आप उसको क्लिक करते हो आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे एक तरीके से हैक हो जाता है दोस्तों, और इसके ऊपर आप कोई सा भी जो एक्सेस है वो यहाँ पे ले नहीं पाते हो यहाँ पे। चलिए और आगे यहाँ पे देखते हैं टू प्रिवेंट लार्जर इंपैक्ट। तो आपने देख लिया कि NPCI का इस पर क्या रिस्पॉन्स आया है कि जो बड़े बड़े बैंक है HDFC SBI वगैरह है इनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसी के लिए फिलहाल जो यहाँ पे CH टेक्नोलॉजी कंपनी है इसके सर्विसेज को यहाँ पे आइसोलेट कर दिया गया है, यानी कि जो प्रभावित हुआ है वो मुख्य रूप से 300 जो कोऑपरेटिव और रीजनल बैंक है वही हुआ है दोस्तों। और आपको बता दें कि जो इंडिया के अंदर जो पेमेंट का पूरा वॉल्यूम है उसका सिर्फ और सिर्फ 0.5%, है ना, गौर कीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि 300 बैंकों के ऊपर हुआ है तो बहुत ज़्यादा कस्टमर या फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसके कारण रुपये का नुकसान हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका वॉल्यूम कितना है 0.5% है। लेकिन अगर जो यही 300 बैंकों के अंदर कोई एक बड़ा बैंक SBI वगैरह यहाँ पे इसके ऊपर अटैक हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता था। आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू NPCI नोटिस CH टेक्नोलॉजिकल कंपनी लिमिटेड इज अ टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर मोस्टली केटरिंग टू कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर ये रैनसमवेयर अटैक हुआ है ये मुख्य तौर पर अपना सर्विसेज केवल और केवल कोऑपरेटिव और रीजनल बैंक को ही यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो बड़े बैंक है उनको ये प्रोवाइड नहीं करते। अगर जो बड़े बैंक को कर रहे होते तो यहाँ पे आप कह लीजिए कि बड़े बैंक के साथ भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता था यहाँ पे। चलिए और यहाँ पे आगे देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया जो यहाँ पे दिलीप संघानी है उनका इस पर क्या रिस्पांस आया है, ट्रांजैक्शन ऑफ एटलीस्ट 7 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक इन गुजरात। तो गुजरात के जो 17 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है वो यहाँ पे इससे प्रभावित हुए हैं, और साथ में आप देख सकते हो अमरेली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो कि DCCB कहलाता है वो भी इस पर्टिकुलर रैनसमवेयर अटैक से यहाँ पे प्रभावित हुआ है। और जैसा कि हमने बात किया कि जो CH टेक्नोलॉजी कंपनी है ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक जॉइंट वेंचर की तरह काम करती है SBI और साथ में
टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर दोस्तों यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा यहाँ पे इनके साथ अटैक हुआ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि एनपीसीआई का यहाँ पे रिस्पॉन्स आया है कि जो रेस्टोरेशन वर्क है वो अभी अंडरवे है, और एक बार जो पूरा का पूरा सिक्योरिटी रिव्यू हो जाता है, जब एनपीसीआई को लगता है यहाँ पे कि अब किसी प्रकार का खतरा नहीं रह गया, तो यहाँ पे सर्विसेज को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे धैर्य बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर जो इन तमाम 300 बैंकों से आप यहाँ पे रिलेट करते हो, आप इसके कस्टमर हो, तो आपको ऑफलाइन मोड में ही सारा का सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए और यहाँ पे आगे देख सकते हैं हम थोड़ा सा कि आखिरकार रैंसमवेयर अटैक में जो अटैकर है वो आपके सिस्टम के साथ करते क्या है। तो सबसे पहला इनका काम क्या होता है कि आपके सारे डेटा जो है, फोल्डर वगैरह है, जो फाइल वगैरह है, जो भी सॉफ्टवेयर वेबसाइट वगैरह है, जो भी एप्लीकेशन है, सारे को ये क्या कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं। यानी कि जैसे ही आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे यहाँ पे, वो तुरंत आपसे एक पासवर्ड खोजेगा जो कि पासवर्ड आपने सेट नहीं किया होगा, वो अटैकर के द्वारा किया जाता है। और उसके जस्ट नीचे में आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का यहाँ पे शो किया जाएगा, है ना, आपको एक अर्जेंसी क्रिएट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। आप बकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही आप अपने सिस्टम पे एक्सेस करने के लिए गए, तो उसके नीचे देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, यू ओनली हैव 3 डेज टू सबमिट द पेमेंट और योर फाइल विल बी लॉस्ट, है ना। तो आप देख सकते हो कि आप एक्सेस तो नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसके साथ यहाँ पे क्या मैसेज दिया जा रहा है कि आपके पास केवल 3 दिन का ही मोहलत दिया जा रहा है आपको कि सारा का सारा जो पेमेंट है आप यहाँ पे हमें दे दीजिए, अदरवाइज आपका जो भी डेटा वगैरह है, जो भी फाइल वगैरह है, उसको हम पब्लिक में लीक कर देंगे दोस्तों। तो ये जो यहाँ पे बैंक के ऊपर या फिर जो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो इनसे भी रैंसम का ही यहाँ पे फिरौती का ही डिमांड किया जा रहा है यहाँ पे। और इनका अमाउंट काफ़ी बड़ा होता है, 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ इतने बड़े अमाउंट में ये चार्ज करते हैं यहाँ पे। और अगर जो ऐसा नहीं किया जाता है तो इनका क्या यहाँ पे एक तरीके से धमकी रहता है कि जो भी कस्टमर के डेटा वगैरह है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब के सब ये क्या वार्निंग देते हैं कि हम पूरा जो डार्क वेब होता है उसको हम पब्लिक कर देंगे, जिससे आपका कह लीजिए कि यहाँ पे जो पर्सनल डेटा है वो लीक भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनको मानना पड़ता है, उनको रैंसम देना पड़ता है बाकायदा यहाँ पे। लेकिन इनका एक फिर एक और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता है कि अब जब आप एक बार पेमेंट कर देते हो, जैसे कि शुरू में डिमांड किया गया कि 100 करोड़ आप दीजिए तो हम आपके सिस्टम को यहाँ पे आपके लिए एक्सेसिबल फिर से बना देंगे, आपने 100 करोड़ का जैसे ही पेमेंट किया ये अपना चार्ज बढ़ाकर 200 करोड़ कर देंगे यहाँ पे, फिर उतना दिया तो फिर 400 करोड़ कर देंगे। तो ये जो साइबर अटैक का तरीका है, रैंसम वेयर अटैक यहाँ पे, जिसके थ्रू एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम के अंदर डाल दिया जाता है, और जैसे यहाँ पे उसको रन करवाते हो तो एक बग रहता है, वो कोई कोड नहीं रहता है यहाँ पे, और आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे हैक हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे खतरनाक हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो आपने जाना यहाँ पे कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कितने बड़े लेवल पे हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो ये आपके पूरे फाइल को इनक्रिप्ट कर देते हैं, उसको लॉक कर देते हैं, और जो दूसरा उसके जस्ट नीचे भी आपने देखा रैंसम का डिमांड करते हैं, यानी कि फिरौती का डिमांड करते हैं। और जब एक बार आप उसको दे भी देते हो यहाँ पे, शुरू में डिमांड वो कम ही रखते हैं ताकि यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यहाँ पे दे दे, और जब दे देते हो तो फिर अपना वो जो एक्सटॉर्शन है, जो फिरौती है, उसको डबल से ट्रिपल भी कर देते हैं दोस्तों, है ना। फिर साथ में आपको बकायदा वो डिलीवरी मेथड भी बताएंगे। रैंसमवेयर कैन बी डिलीवर्ड थ्रू फिशिंग ईमेल, मैलिशियस वेबसाइट और एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर। आप देख सकते हो कि आप जो पेमेंट करते हो यहाँ पे रैंसम यानी कि फिरौती के रूप में, वो आप एक तरीके से जो फिशिंग ईमेल्स होता है यहाँ पे या फिर जो मैलिशियस वेबसाइट होता है उसके थ्रू आपको करना पड़ता है, क्योंकि जो एक लीगल तरीका है, जो पूरा का पूरा जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका यूज करके तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जो आपने उसका यूज करके किया तो फिर ये पकड़ में आ जाएगा कि जो अटैकर है वो कौन है यहाँ पे, है ना, और किस अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यहाँ पे। आप बकायदा देख सकते हो कि इंडिया के अंदर जो हमारा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसके अंदर एक बकायदा अलग से टीम बनाया गया है कि देश के अंदर अगर जो किसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे कि मेडिकल सेक्टर हो गया या फिर यहाँ पे कह लीजिए कि फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, इतने बड़े लेवल पर अटैक होता है तो इसके लिए एक टीम बनाया गया जिसका नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये पूरी तरह से हरकत में आ जाती है और यहाँ पे जो भी साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे इनको प्रोवाइड करना है फैसिलिटी, वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो रैंसमवेयर अटैक हुआ है इसके ऊपर यहाँ पे जो सर्टिन है इनका भी रिस्पांस आया दोस्तों, है ना। तो ये रैंसमवेयर के तो आपने जानना लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंडिया के अंदर पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे या फिर पिछले 1-2 सालों में ये प्रॉब्लम कितना ज़्यादा बढ़ा है तो आप इसको बकायदा देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू सर्ट इन रैंसमवेयर रिपोर्ट 2022 ओवरऑल देर इज 53% इंक्रीज इन रैंसमवेयर इंसिडेंट रिपोर्टेड इन 2022 ओवर ईयर। आप देख सकते हो कि 2021 में जितना रैंसमवेयर अटैक हुआ था उससे करीब करीब 53% ये और बढ़ गया 2022 में, और लगातार साल दर साल यहाँ पे ये जो नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे।
यानी कि रैंसमवेयर अटैक जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। और ये रैंसमवेयर अटैक छोटी मोटी कंपनी के ऊपर यहाँ पे नहीं किया जाता है, बल्कि जो बड़ी बड़ी आईटी और आईटी कंपनी होते हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है, ताकि उनका एक तरीके से एक्सपेक्टेशन होता है कि यहाँ पे बड़े अमाउंट में पेमेंट उसको कर सकते हैं। यहाँ पे 13 state on its website that although there are countless a strain of ransom, they mainly fall into two category. ये जो ransom होते हैं वो दो category में यहाँ पे fall करते हैं। ये भी आपने देखा कि सबसे पहले तो आपके file को ये encrypt कर देंगे, और दूसरा यहाँ पे ये है कि आपसे एक तरीके से वो फिरौती मांगे ताकि फिर से आप इसको बहाल करवा सको यहाँ पे। तो मेन रूप से यहाँ पे यही है। आप साथ में देख सकते हो कि 13 also said in the report that ransomware restoration and recovery is dependent upon multiple factors. जैसा कि हमने शुरू में बात किया कि कितना टाइम यहाँ पे लगेगा 300 बैंकों को फिर से अपना जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सुविधा कस्टमर को देने में, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप 13 का भी देख सकते हो यही कहना है कि जो इन्फेक्शन हुआ है उसका लेवल क्या है, कि कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे अटैक किया गया है, अफेक्टेड एप्लीकेशन इसके कारण उनके कितने सारे सर्विसेज यहाँ पे प्रॉब्लम में आ गए हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ बैकअप एंड इमेजेस, और क्या यहाँ पे वो जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा था, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो या फिर वो किसी और से अपना जो सर्विस है उसको अगर जो आउटसोर्स करवा रखा है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ वो इसी का हुआ है कि जो 300 बैंक है उनका कोई अपना ऐसा एप्लीकेशन डेवलप नहीं हुआ था जिसके कारण वो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा देते थे, वो एक थर्ड पार्टी का यूज करते थे, और उस थर्ड पार्टी पे यहाँ पे ये रैंसमवेयर अटैक हुआ है। तो आप कह सकते हो कि अगर जो थर्ड पार्टी के पास बैकअप का ऑप्शन अगर जो होता अच्छे तरीके से यहाँ से, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता था। तो अगर जो बैकअप का सिस्टम आपके पास अवेलेबल है तो रैंसमवेयर अटैक को बाईपास किया जा सकता है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फिर आपको बिना रैंसम दिए हुए आप कुछ भी कर नहीं सकते हो यहाँ पे। तो कितना टाइम जाएगा, कितना एफर्ट लगेगा इसमें, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, कितना वो डिमांड करेंगे यहाँ पे, ये सारा का सारा यहाँ पे कितने लेवल पे अटैक हुआ है यहाँ पे धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल तो 7-8-10 दिन यहाँ पे लग ही जाएंगे फिर से यहाँ पे सर्विस यहाँ पे बहाल करने में यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे बड़े बड़े बैंक है उसके लिए एक तरीके से ये वार्निंग का साइन है कि अगर जो हमारा फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है RBI वगैरह, अगर जो साइबर सिक्योरिटी को अगर जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस नहीं करती है, तो आज जो यहाँ पे 300 छोटे बैंकों के साथ हुआ है, अगर जो कल को कोई बड़े बैंक के साथ हो जाएगा तो बहुत सारे कस्टमर का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है दोस्तों, और बहुत सारे जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे एक तरीके से रुक सा जा सकता है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज शौरव साइनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। बाय बाय।